देखो बेटा, तो आज अपन क्लास प्लस टू यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस दे रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट करनी है। तो जिस तरह की जिहड़ी इंट्रोडक्टरी लैक्चर सी ना, उहदे विच तुहानू दस्सिया कि एक्चुअली तुसीं लोअर क्लासेस दे विच है ना, 9th 10th लेवल दे विच तुहाडे सामने कंडक्टर्स ते इंसुलेटर्स, ये मेनली दो तरह दे सबस्टांसेस जिहड़े है, तो असीं उहनां दे नाल डील करदे हां। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दे बिहेवियर का जो डिफरेंस है, मतलब थानू पता वा कि तुसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स उन्हें बोलते हैं जिन्हें मटीरियल्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते करंट बड़ा इजीली फ्लो करता, और इंसुलेटर्स उन्हें बोलते हैं जिन्हें दे विच करंट फ्लो नहीं करता है ना। और इहदा रीजन भी तुसी जानते हैं की है कि ये जो रीजन असी बोलन लगा मैं थोड़े सामने, ये एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दे बेस्ड है कंसेप्ट कि कंडक्टर्स दे विच करंट क्यों फ्लो करता, क्योंकि कंडक्टर्स दे कोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जो इंसुलेटर्स है उन्हां दे विच करंट फ्लो क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उन्हां कोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये जी एक्सप्लेनेशन है इंसुलेटर्स दे कंडक्टर्स दे बिहेवियर की, इन्हों असी बड़ा इजीली डिस्कस कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मॉडल के ऊपर। पर जो बेटा साढ़े सामने सेमी कंडक्टर्स, मतलब एक न्यू टाइप ऑफ मटीरियल्स के बारे पता लगा कि ये जो मटीरियल्स है जिन्होंने असी सेमी कंडक्टर्स के नाम नाल बुला रहे हैं, तो इन्होंने जो करंट है ना, वो कंडक्टर्स के मुकाबले लैसर है बट इंसुलेटर्स के कंपैरेटिवली मोर है ज्यादा। तो इस गल इदा भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जोड़े कंडक्टर्स है इन्हों की कंडक्टिविटी मैक्सिमम है और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी मिनिमम है, और जो सेमी कंडक्टर्स है इन्हों की कंडक्टिविटी इन बिटवीन। और इस गल इदा भी समझ सकते हैं कि जो कंडक्टर्स है उन्हों की रेजिस्टिविटी मिनिमम है और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी मैक्सिमम है और सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी इन बिटवीन है। तो हम जो सेमी कंडक्टर्स है, अगर आप इन्होंने नाम तो फैमिलियर होना, तो जिहड़े मेन सेमी कंडक्टर्स है दो है, एक बेटा है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। सिलिकॉन ते जर्मेनियम ये दो मटेरियल्स है जो प्योर सेमी कंडक्टर्स है, और प्योर सेमी कंडक्टर्स नु असी बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। जिहड़े प्योर सेमीकंडक्टर्स है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है ना, और उन्हां दी एग्जांपल अगर थानू कोई पूछे तां सिलिकॉन जर्मेनियम ये दो प्योर सेमीकंडक्टर्स है, ये भुलने नहीं कभी भी। अच्छा हुण भई ये जो हुण जदों साडे सामने ये तीन तरह के मटीरियल्स है, कंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स है, सेमी कंडक्टर्स है, हुण अगर आपां इन्हां दे बिहेवियर नूं एक्सप्लेन करना, तां फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मटीरियल्स एप्लीकेबल नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि जिन्हां कोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर्स है, जिन्हां कोल नहीं है वो इंसुलेटर्स है, तो फिर सेमी कंडक्टर्स नूं कितना असीं उन्हां दी एग्जिस्टेंस नूं प्रूव कर सकते हैं? तां उहदे लई बेटा साडे कोल इक नवा कंसैप्ट है, पर उसनों करन तो पहला मैं थोड़ा 2 मिनट लिए एक होर गल दस रहा। जिहड़े बेटा कंडक्टर्स है
ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਅਮੋਰਫਸ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰਸ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਔਰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁਣ ਐਕਚੁਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡਸ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਕੰਡਕਟਰਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਔਰ ਈਵਨ ਫਿਜਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੋ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲਸ ਬਾਰੇ ਤੋ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਤੋ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਤੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ ਮੀਨਸ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀਜ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀਜ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਤੋ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਤੋ ਤੋ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਬੇਟਾ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀਜ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਪੌਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੋ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਤੋ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੌਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪੌਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ
सॉलिड्स की गल करते हैं तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स दे विच जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स दे विच बेटा अगला पॉइंट आएगा थोड़े सामने वो है कि जेडे एनर्जी बैंड्स है उन्हें आपां वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड फॉरबिडन बैंड तो हूँ थोड़ा मैं जितना दस के हटिया कि एनर्जी बैंड का मतलब की है कॉन्टीन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी तो वेलेंस बैंड तो अगर मैं इस बैंड नू वेलेंस बैंड लिख रहा तो इसका मतलब है कि इस बैंड के अंदर जिन्ने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बाउंड स्टेट च इलेक्ट्रॉन्स इन बाउंड स्टेट आप जिदा कहने हैं कि मटीरियल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाउंड एंड फ्री तो वैलेंस बैंड का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स जेडे बाउंड स्टेट च जेडे फ्री नहीं है जो कंडक्टिविटी हिस्सा नहीं ले सकते तो वैलेंस बैंड अगर बेटा कंडक्शन बैंड है कंडक्शन बैंड तो कंडक्शन बैंड दे विच इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट मतलब आज तो बाद जो आप सेमीकंडक्टर्स बारे पढ़ना वा तो अगर मैं थानू कहां इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसका मतलब तुसी समझ जाने हैं कि इस इलेक्ट्रॉन दे फ्लो करके करंट होएगा है ना मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी ले ही रिस्पॉन्सिबल है अगर मैं थानू कहना वा कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है तो उसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट नहीं होएगा है ना तो कंडक्शन करंट नहीं होएगा पर इसी गल नू हुण मैं इदां भी कह सकदा कि इलेक्ट्रॉन इज लाइंग इन वैलेंस बैंड दा मतलब है बाउंड इलेक्ट्रॉन ते इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड दा मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जेडे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड च है ता उना दे फ्लो करके करंट होएगा जेडे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड च है उना दे फ्लो करके कुछ नहीं होएगा मतलब वो फ्लो ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बाउंड स्टेट च है तो इनू इदा समझना समझ आ रही गल तो हुण बेटा थानू ये याद रखना पड़ेगा कि अच्छा हुण इत्थे तीसरा बैंड है फॉरबिडन बैंड जिहड़ा फॉरबिडन बैंड है फॉरबिडन बैंड का मतलब की है कि आ जिहड़ी रेंज ऑफ एनर्जीज है इस रेंज दे विच कोई भी इदां दा इलेक्ट्रॉन नहीं है ना जिहड़ा इत्थे एग्जिस्ट कर सके मतलब इत्थे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਬਿਡਨ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੋਰਬਿਡਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਬਿਡਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਰੇਂਜ ਜਿਸ ਐਨਰਜੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੋਰਬਿਡਨ ਬੈਂਡ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਬਿਡਨ ਬੈਂਡ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਫੋਰਬਿਡਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਫੋਰਬਿਡਨ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੋ ਹੁਣ ਫੋਰ
हैबिटेट बैंड दे विच आ जिहड़ा लैवल है ए वेलेंस बैंड दी हाईएस्ट एनर्जी नू रिप्रेजेंट कर रहा ई वी और आ जिहड़ा कंडक्शन बैंड दा लोएस्ट एनर्जी लैवल है ए कंडक्शन बैंड दी लोएस्ट एनर्जी नू रिप्रेजेंट कर रहा ई सी ठीक है और आ जिहड़ा डिफरेंस है आ जिहड़ा फर्क है ई सी माइनस ई वी इहनू असीं कहिंदे आ एनर्जी गैप दिस इज नोन एज एनर्जी गैप और एनर्जी गैप का मीनिंग की है प्रैक्टिकल मीनिंग की है गल समझनी बड़ी जरूरी है वो की है पुत्र कि जो असी हम देखो थानू मैं इस तो पहला दस के हटे हाँ कि इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड का मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन ते इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है तो जदों बेटा असी एनर्जी गैप की गल कर रहे हैं तो एनर्जी गैप का मीनिंग की है सिग्निफिकेंस की है कि उस मटीरियल के अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन नूं फ्री इलेक्ट्रॉन च कन्वर्ट करने लिए की करना पड़ेगा एनर्जी देनी पड़ेगी और वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एनर्जी गैप के बराबर मिनिमम एनर्जी गैप के बराबर या उसको ज्यादा भी हो सकती तो इहदा मतलब कि अगर असी सबस्टांस नूं एनर्जी दे दिंदे आ कितनी एनर्जी गैप के बराबर तो उस सबस्टांस के अंदर जिहड़ा बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा और बाउंड इलेक्ट्रॉन का फ्री होने का मतलब इदा भी कह सकते हैं कि वो जिहड़ा इलेक्ट्रॉन बाउंड है मतलब वैलेंस बैंड च है वो फ्री हो गया मतलब वो कंडक्शन बैंड च पहुंच गया जंप करके कंडक्शन बैंड च बट बाउंड इलेक्ट्रॉन नू फ्री करन दे लई जिहड़ी एनर्जी देनी पैनी है वो मिनिमम कितनी होनी है बैंड गैप दे एनर्जी गैप दे बराबर होनी है और एनर्जी गैप की वैल्यू तुसी कितना कैलकुलेट कर सकते हैं वैलेंस बैंड दी हाईएस्ट एनर्जी ईवी ते कंडक्शन बैंड दी लोएस्ट एनर्जी ईसी का डिफरेंस जिहड़ा वा वो एनर्जी गैप नू रिप्रेजेंट कर रहा है तो एनर्जी गैप और एनर्जी गैप दी इनफॉरमेशन सानू पता होएगी दिती जाएगी है ना तो ये पॉइंट साडे सामने आ रहा है अच्छा इत तक लग रही समझ हर जशन गुरलीन चिराग तो मतलब ये वो टर्म्स है जिन्हां दी अगर आपां समझ आ जाती है तो असी आसानी नाल ये टॉपिक नूं कवर कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं आएगी सानू अच्छा फिर बेटा इहदे विच जिहड़ी मैं अगली गल तुहानूं दस रहा हूं की है देखो कि तुसी जदों कंडक्टर्स इंसुलेटर्स ते सेमीकंडक्टर्स दे बिहेवियर नू स्टडी करते हैं तो उन्हां दा बिहेवियर डिफरेंट क्यों है तो इहदे लई साडे कोल बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स ये सानू कितना एक्सप्लेन करती है कि आ मटीरियल कंडक्टर कैटेगरी च होएगा आ वाला मटीरियल इंसुलेटर होएगा और आ मटीरियल सेमीकंडक्टर होएगा हुण उहदे तक जाण लई असी कुछ बेसिक टर्म्स नू इंट्रोड्यूस कीता एनर्जी बैंड नू फिर आपां उहना बैंड्स दी तीन तरह दी टाइप्स हो सकदी है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड और उस तों बाद फिर तुहानू इह मैं आइडिया दित्ता कि वैलेंस बैंड तों जस्ट अबव फॉरबिडन बैंड है और उस तों बाद फिर कंडक्शन बैंड स्टार्ट हुए है ना इत तक पता लग गया और फिर मैं तुहानू एनर्जी गैप का एक आइडिया डिवेलप कीता एनर्जी गैप का मीनिंग की है कि उस सबस्टांस के अंदर जे मान लो मैनू किसी गिवन सबस्टांस का एनर्जी गैप पता लग जाता इट मीन मैनू पता लग जाएगा कि उस सबस्टांस के अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्री करन दे लई मिनिमम कितनी एनर्जी सप्लाई है रिक्वायर्ड है तो वो पता लग जाए नाउ हुण बेटा अगला पॉइंट जिहड़ा स्टेप आपां
लिखना शुरू करना हो की है। देखो आ मैं थोड़े सामने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ड्रॉ कर, ठीक है हूं पुत्र। तो आप पता ही है भी फॉरबिडन बैंड है, हूं हुंदा की है जिदा कि थानू पता केमिस्ट्री दे विच तुसी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट में पढ़ते हैं तो उसे ऑफ़ प्रिंसिपल आता ना एक जो कि कहता कि मीन्स नॉर्मल कंडीशन च नॉर्मल मीन्स ग्राउंड मीन्स लोएस्ट टेंपरेचर ते जिहड़ी लेवल्स की फिलिंग होनी शुरू होंदी है वो पहला सब तो नीचे घट एनर्जी वाला फिल होएगा फिर उस तो ज़्यादा फिर ज़्यादा एंड सो ऑन है ना तो कितने तक जाएगा जिथे तक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। हूँ बेटा हो की सकता वा कि मान लो आ एक सबस्टांस है तो इस सबस्टांस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई है ना, फिलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई और असी की देखिया कि जिन्ने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन्हां विचों कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने ही वैलेंस बैंड नूं पूरा भरता, हाले भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो इलेक्ट्रॉन्स इतना जाने ही पैना है ना, एनर्जी लेवल से विच नीचे तो ऊपर वाल जा रहा है एनर्जी बढ़ रही है तो आ गए। अच्छा एक होर सब्सटेंस है साडे कोल, एक होर सब्सटेंस है साडे कोल जिहड़ा दूसरा सबस्टांस है उहदे विच वी जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उन्होंने वैलेंस बैंड नूं भरना शुरू कीता करना करना करते 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 वैलेंस बैंड पूरा भरता, जिद्दां ही वैलेंस बैंड पूरा भरिया नाल ही इलेक्ट्रॉन्स भी खत्म हो चुके। इहदा मतलब इत्थे जिन्ने भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन सी उन्होंने लोएस्ट टेंपरेचर कितना होता बेटा जीरो केल्विन, तो उन्होंने जीरो केल्विन से वैलेंस बैंड पूरी तरह भरता वा पर कंडक्शन बैंड पूरी तरह नाल खाली है, ठीक है। अच्छा हूँ बेटा आ जरा एनर्जी गैप है आवाला एनर्जी गैप उसकी वैल्यू 5 तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, 5 तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। हुन आ जिहड़ा तीसरा सबस्टांस है हम वैल्यू समझियो पुत्र इधर बीच भी जिन्ने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें दी फिलिंग शुरू होगी ना लेवल्स दी फिलिंग शुरू होगी ता की देखिया कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स करके वैलेंस बैंड पूरा भर गया तो वैलेंस बैंड पूरा भर चुका वा इलेक्ट्रॉन्स भी खत्म हो गए तो इधर मतलब इन्हें दोनों दे बीच कॉमन चीज की है कि जीरो केल्विन ते इन्हां दोनों दा वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स नाल पूरा नको नक भरिया होया ते कंडक्शन बैंड दोनों दा ही पूरा खाली है, जबकि इहदा दोनों नाल की फर्क है कि जीरो केल्विन ते इहदा वैलेंस बैंड दा पूरा भरिया ही है पर कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है। हुण बेटा इना दोनों दे विच कॉमन फैक्टर पता लग चुका बट डिफरेंस ये है कि आ जरा एनर्जी गैप है इतने 5 तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इतने 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी गैप का फर्क है। अच्छा हुण आ जरा एनर्जी गैप
सबस्टांस दे अंदर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स बाउंड स्टेट च है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और अगर तुसी चाहने हैं कि इस इलेक्ट्रॉन इस सबस्टांस दे अंदर कुछ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री होन, ता इस सबस्टांस दे अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नू फ्री करन दे लई हाई एनर्जी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन नू फ्री करन लई 5 तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और बहुत ज्यादा एनर्जी है तो इतनी एनर्जी इजीली अवेलेबल नहीं होएगी। तो इसका मतलब इस सबस्टांस के अंदर चाहे टेंपरेचर बढ़ा भी देता जाए शुरू तो लेके एंड तक सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड ही रहेंगे, फ्री कोई नहीं होएगा। तो जे फ्री कोई नहीं होएगा इट मींस ये जड़ा सबस्टांस है एक केडी कैटेगरी आ जाएगा इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर च कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होना। अच्छा हूं बेटा आ जड़ा सबस्टांस है एट जीरो केल्विन टेंपरेचर एदी कंडीशन और एदी कंडीशन बिल्कुल सेम है, क्योंकि एदा भी वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, एदा भी वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है जीरो केल्विन से, एदा कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, एदा भी कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, पर एक एनर्जी गैप ज्यादा वा इथे कट है, है ना। तो आ जेड़ा सबस्टांस है ए चाहे जीरो केल्विन ते एदे वर्गा ही है पर गैप करके एनर्जी गैप करके नालो अलग भी है। तो इस कैटेगरी नु असी कहने हां सेमीकंडक्टर। और ये मैं तीनों एनर्जी बैंड डायग्राम्स जीरो केल्विन टेंपरेचर ली ड्रॉ की थी। अच्छा हम देखो पुत्र सेमीकंडक्टर जीरो केल्विन टेंपरेचर ते सेमीकंडक्टर दे कोल भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इस करके सेमीकंडक्टर एट जीरो केल्विन टेंपरेचर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। तो जीरो केल्विन टेंपरेचर ते सारे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ही है, ये याद रखना पड़ा आपा, है ना, याद रख लिया आपा। अच्छा पर फर्क की है पुत्र, थानू जितना जी मैं पहला दस्या सी कि एनर्जी गैप सानू प्रैक्टिकली की रिप्रेजेंट करता कि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नू फ्री करन लई किन्नी एनर्जी चाहिए, है ना। तो इंसुलेटर्स दे कोल बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नू फ्री करन लई एक इलेक्ट्रॉन नू फ्री करन लई इन्नी एनर्जी चाहिए है, जबकि सेमीकंडक्टर च 1 टू 2 कट है। सो इन इच 1 टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इजीली अवेलेबल हो सकती है, इस कारण करके ये जेड़ा सबस्टांस है ये हाई टेंपरेचर पे अबव 0 केल्विन इदा बिहेवियर इदे नाल बदल जांदा। कितना बदल जांदा, क्योंकि अबव 0 केल्विन इदे अंदर स्टिल कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुंदा, बट इस सबस्टांस दे केस च अबव 0 केल्विन कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जांदे जिदे करके इस दा बिहेवियर इदे नाल अलग हो जांदा। तो इस कैटेगरी दा नाम सेमीकंडक्टर रखया। और आज दी कैटेगरी है इदे विच तां जीरो केल्विन टेंपरेचर ते भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, क्योंकि थानू मैं शुरू च दस्या इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड दा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड दा मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो आ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री है, तो इस करके ए कैटेगरी इन्हां दोनों नाल अलग है और इन्हू असी कंडक्टर बोलते हैं, दिस इज नोन एज कंडक्टर। तो कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो इधर फर्क नू आपा हुण समझ लेना चाहिए कि जीरो केल्विन दे बेटा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर च कोई फर्क नहीं है, दोनों इको जही है, मतलब जीरो केल्विन टेंपरेचर ते सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर ही है, फर्क दोनों च स्टार्ट हुंदा अबव जीरो केल्विन। पर अदरवाइज थानू दिमाग की रखना पड़ेगा कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इंसुलेटर दे विच एनर्जी गैप हाई है और सेमीकंडक्टर दा गैप लो है।
ठीक है, और ये बारे भी आप अगली क्लास डिस्कस करेंगे। तो आज जो कंसेप्ट है अगला कंसेप्ट कि कंडक्टर के केस जो कंडक्शन बैंड है वो हमेशा पार्शियली फिल्ड होएगा, जिस कारण करके उदे कोल हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, तो उदा बिहेवियर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर तो अलग ही होएगा। तो ए पॉइंट नु समझना थोड़े लिए बड़ा जरूरी है। सो इत्थे तक थानू समझ आई है पुत्र सब नु? बुरलीन, चिराग, हरजशन, ठीक है बेटा। तो हुन आपां नेक्स्ट जड़ी क्लास होएगी साड़ी है ना, वो मैं थानू मैसेज सेंड कर दिना।